हाय दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो में। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ एकदम बढ़िया होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूँगी जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है एंड कम बहुत ही कम स्पेस में आपका सारे के सारे चीज़ जो है ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं बहुत सारे जो स्वीट्स के जो डिब्बे वगैरह हैं मैं यहाँ पे रखी हुई थी, तो बस इसी का यूज करूँगी। तो पहले तो मैं कर ले रही हूँ सफाई। तो यहाँ पे रोटी बनाने के बाद क्या करना है, तवे और चिमटे को इस तरह से गैस पे नहीं छोड़ना है। तो ये बहुत ही मतलब घर में जो है ना माना जाता है कि आप तवा और चिमटा को कभी भी ऐसे ना रखिए कि वो सामने दिखे। तो कभी भी आप जब रोटी बना रही हैं तो तवा और चिमटे को तुरंत मत क्लीन कीजिए, और जब भी रखिए तो उसे इस तरह से गैस के नीचे इसको डाल दीजिए। तो ये क्या रहेगा ना, आपका जो है छिप जाएगा, तो सामने से आपका जो है दिखेगा नहीं। और यहाँ पे मैं एक टिफिन जो है अलग से रखी हूँ, इसमें मैं सूखे आटे रखती हूँ। जब रोटी वगैरह बनाने लगती हूँ ना, तो इस तरह से मैं सूखे आटे को इसी में से लेकर के रोटी बना लेती हूँ। तो उससे क्या होता है कि जो जिसमें हम आटा गूंथते हैं, अगर उसी में सूखा आटा ले लेंगे तो हमारा आटा जो है सूखा वाला इसमें मिक्स हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारा जो ए वाला आटा है वो एकदम से ख़राब हो जाएगा। जैसे कि थोड़ा बहुत आटा बच जाता है तो उसको हम फ्रीज में रख देते हैं। तो सिंपली क्या करते हैं, इस तरह से इसको लेते हैं, उसके बाद इसको सिंपली एक कटोरी में रख लेते हैं। रखने के बाद इसको हम रख देते हैं, तो उसके बाद जब हम निकालते हैं ना तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाता है। उसके ऊपर जो है एक पपड़ी सी जम जाती है, जिसे हमें अच्छे से क्लीन इसको फिर से मसलना पड़ता है। तो हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत पड़ जाती है। तो आप कभी भी आटा जो है रख रही हैं ना, तो उसके ऊपर से आपको जो है इसमें थोड़े से आयल लगा देने हैं। तो आप चाहे तो आयल लगा सकते हैं, नहीं तो घी, कोई भी कुछ भी लगा सकते हैं। आपको थोड़ा सा चिकना कर देना है ऊपर से। तो उसके बाद आप इसको फ्रीज में रखेंगे ना, तो आपका आटा जो है बिल्कुल फ्रेश बना रहेगा। आप चाहे दो दिन बाद भी यूज करेंगे ना, फिर भी आप वैसे ही पाएंगे, इसमें बिल्कुल भी पपड़ी वगैरह नहीं जमेगी। तो यहाँ पर मैं वही आयल यूज कर रही हूँ जो मैं कुछ भी जो फ्राई वगैरह करती हूँ, उसके बाद जो तेल हमारे बच जाते हैं तो उसको हम फेंक देते हैं। तो उसे क्या करना है, हमें फेंकना नहीं है। इस तरह से जो बचा हुआ तेल रहता है आप उसको छलनी से छानने के बाद रख देंगे ना, तो एकदम से अच्छे से फिर से यूज हो सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ, तो इस तरह से मैं जब आटे वगैरह लगाती हूँ तो उसमें यूज कर लेती हूँ, नहीं तो कोई सब्जी वगैरह कट कर रही हूँ तो उसमें यूज कर लेती हूँ। तो आप बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। तो फाइनल में यहाँ पर सारा चीज़ हो चुका है। अब इन सबको मैं रखती हूँ साइड में और इसी टाइम जो है अपनी किचन की क्लीनिंग कर लूँगी। तो आप लोग जब भी खाना बना रहे हैं ना, तो आप खाना बनाने के तुरंत बाद ही अपनी किचन की क्लीनिंग कर लीजिए, नहीं तो जो आपका एक मिनट में होने वाला रहेगा वो आपका दो चार मिनट में लग जाएगा। क्योंकि थोड़े बहुत जो आटे वगैरह गिरते रहते हैं उसमें, उसके बाद उसमें थोड़ा बहुत पानी लग जाएगा तो बिल्कुल जम जाता है, और हमें उसे काफ़ी ज़्यादा घिसना रगड़ना पड़ता है। तो ऐसे में हमें तुरंत ही किचन की जो है क्लीनिंग कर लेनी चाहिए। तो चलिए हम अपना जो है काउंटर टॉप और गैस वगैरह सबको क्लीन कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जितने भी मैं अपने किचन के क्लीनिंग करने के लिए जो टॉवल्स वगैरह होते हैं उसको मैं मार्केट से नहीं लेती हूँ। मैं यहाँ पे जितने भी पुराने कपड़े वगैरह होते हैं ना, मैं उसी का यूज करती हूँ। तो इस तरह से आप भी यूज कर सकते हैं अपने घर में पुराने बचे हुए कपड़े को। और यहाँ पे मैं ना एक बोनवीटा का छोटा सा जो है प्लास्टिक का बाटल था, तो मैंने उसको कट किया हुआ है। तो इस तरह से छोटी मोटी चीज़ें आप ऑर्गेनाइज करके रख सकती हैं। तो यहाँ पे मैं इस तरह से इसको लूँगी और निशान लगा लूँगी और थोड़े से मैं इसको कट कर लूँगी। तो आपको जितना स्पेस चाहिए आप उतना कट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपके जो छोटे मोटे स्पून वगैरह हैं आप उसको भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, और साथ में जो कुछ भी छोटी चीज़ें हैं आप उसको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अब बारी आ रही है हमारे पास जो स्वीट्स वगैरह आते हैं तो उसको डिब्बे को हम फेंक देते हैं। तो आज उसी का यूज बताऊंगी। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक स्वीट्स का बॉक्स ली हूँ। तो इससे क्या करना है, हमें सबसे पहले इसको निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे मैं एक बैंगल्स ली हूँ और इसको रख लूँगी। रखने के बाद इसी से मैं यहाँ पे निशान बनाऊँगी और उसके बाद मैं कर लूँगी कट। तो चलिए पहले मैं निशान लगा ले रही हूँ, उसके बाद काटने में हमें आसानी हो जाएगी। तो निशान लगाऊँगी उसके बाद ही कट करूँगी। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे हमें 6 पीस मिला हुआ है। तो यहाँ पे मैं कट करूँगी। आप चाहो तो इजली इसको कैंची से भी कट कर सकते हैं, जैसा आपको इजी लगे। तो यहाँ पे मेरे पास जो है
कटर है, तो इसी तरह से मैं कट कर ले रही हूँ, तो बहुत इजी तरीके से कट जाता है। तो हमारे पास ये देखिए इस तरीके से बचा हुआ, आप इसको यूज कर सकते हैं। जो बच्चे के छोटे मोटे जो है कपड़े होते हैं ना, तो इधर उधर कहीं गुम हो जाते हैं कपड़ों में, तो आप इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं जो सॉक्स वगैरह होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है आपको। छोटी छोटी चीज़ें इसमें आप बहुत सारी रख सकते हैं, रखने के बाद आपको ईजिली ये सामने से मिल जाएगा और स्पेस भी नहीं लेगा। आप चाहो तो इस तरीके से भी कहीं रख सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से जो है कॉर्नर में कहीं इस तरह से खड़ा भी कर सकते हैं। तो आपको जैसा ईजी लगे उसी तरह से आप यूज कर सकते हैं। आप इसमें कपड़े वगैरह भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, नहीं तो आप इसको अपने किचन में भी यूज कर सकते हैं। जो किचन में छोटे मोटे डिब्बे होते हैं काफ़ी वगैरह के, तो हम इधर उधर कहीं जो पड़े रहते हैं, तो इस तरह से आप रख सकते हैं और रखने के बाद ईजिली आप इधर उधर करके कहीं भी किचन को क्लीन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आइडिया है यहाँ पे इस तरह से जो चोको पाई का था हमारे पास बॉक्स, तो इसको मैं फेंकूंगी नहीं, इसको मैं अपने किचन के लिए बनाऊंगी, बहुत ही बेस्ट ऑर्गेनाइजर। तो यहाँ पे जो हमारा निकला हुआ है, सबसे पहले तो मैं क्या करूंगी, इसको टेप से अच्छे से फिक्स कर दूंगी, क्योंकि ये जो खुला हुआ है इसको हमें बंद करना है। तो चलिए यहाँ पे जो एक्स्ट्रा था उसको मैं निकाल ले रही हूँ। निकालने के बाद इसको मैं क्या करूंगी, फिक्स करूंगी। फिक्स करने के बाद मैं इसको बीच से कट करूंगी, कट करने के बाद इसको ज्वाइंट कर लूंगी। तो चलिए यहाँ पे मैं कर ले रही हूँ, तो यहाँ पे मैं ब्लैक टेप से इसको फिक्स कर दी हूँ। उसके बाद यहाँ मैं बीच में से इस तरह से निशान लगाऊंगी, क्योंकि हमें एकदम से आधे पे कट करना है। तो यहाँ पे मैं कट करूँगी, तो कट करने के बाद अभी मैं इसको खुला रखूँगी कुछ इस तरीके से। अब मैं क्या करूँगी, बीच में जो है इसको अच्छे से हमें चिपका लेना है, क्योंकि इसको ज्वाइंट रखना है। तो इस तरह से करने के बाद यहाँ पे मैं इसको पेंट कर दे रही हूँ, तो यहाँ पे मैं ब्लैक पेंट से कलर कर दे रही हूँ। कलर करने के बाद आप चाहो तो इसमें और भी कलर यूज कर सकते हैं, बट मुझे जो है ब्लैक काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो फिलहाल मैंने ब्लैक यहाँ पर कर दिया हुआ है। थोड़े से यहाँ पर मैं जो है येलो पेंट भी यूज कर ले रही हूँ कुछ इस तरीके से, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो इस तरह से आप जो है अपने बॉक्स को ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने होल्डिंग करने के लिए भी होल्डर बनाया हुआ है, तो आप चाहो तो उसको कहीं हैंग भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही आप किचन में कहीं भी आप इसको कॉर्नर वगैरह में रख करके यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको किचन में रखूँगी अपने स्पून वगैरह ऑर्गेनाइज करने के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी दिख रहा है, हमारे किचन में एक खास लुक दे रहा है, मतलब पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसे एक बॉक्स से बनाया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो इस तरीके से आप छोटी छोटी चीज़ों को यूज कर सकते हैं, इन जो जिसको आप बेकार समझ के फेंक देते हैं, आप उसको इस तरह से यूज करके अपने किचन के लिए बेस्ट ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। तो आप इसमें ढेर सारे जो हैं स्पून वगैरह जो है ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया ये भी स्वीट बॉक्स से ही है, तो इसको हम क्या करेंगे, कुछ भी पेंट वगैरह नहीं करेंगे, इसको हम सिंपली ही जो है इसको यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बीच में से कट कर लेंगे, तो आपको कट उतना ही करना है जितना आपको स्पेस चाहिए। तो मैं किस चीज़ के लिए इसको यूज करूंगी वो अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो पहले मैं कट कर ले रही हूँ, उसी के अकॉर्डिंग आपको स्पेस चाहिए होगा। तो यहाँ पे मैं जो है अपने किचन के बहुत सारे जो हमारे प्लेट्स वगैरह बर्तन वगैरह फैले रहते हैं, या जिनके पास स्टैंड नहीं रहता है और वो अपने बर्तन को ऑर्गेनाइज करके नहीं रख पाते हैं, सेट नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए है। तो इस तरह से क्या करेंगे ना, जो भी बॉक्स आते हैं बड़े छोटे, आप उसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से अपने स्वीट बॉक्स लीजिए और उसमें इस तरह से कटिंग कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं ढेर सारे एक ही में ऑर्गेनाइज करूँगी, आप चाहो तो यहाँ पे पतला पतला पीस करके ढेर सारे जो है अपने बर्तन वगैरह ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो एक स्वीट बॉक्स में आप ढेर सारे जो है बर्तन को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले कट कर ले रही हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से हमें इसको यूज करना है। तो मैंने यहाँ पे कट कर लिया हुआ है और उसके बाद बीच में अभी स्पेस है, तो वहाँ पे मैं कट कर लूँगी। तो इस तरह से आप ढेर सारे जो प्लेट्स वगैरह छोटे छोटे रहते हैं आप ऑर्गेनाइज करके रख देंगे, अपने काउंटर टॉप पे ही रखेंगे, तब भी आपको ये सामने से जो है दिख जाएगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, और आपके जितने भी प्लेट्स हैं आप इसमें रख सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी प्लेट्स आपके आ जाएंगे, तब अगर आपके पास स्टैंड नहीं है अभी जो है बर्तन को रखने के लिए, तो आप इस तरह से कबाड़ से जुगाड़ निकाल करके अपने किचन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और ढेर सारे जो बर्तन हैं उनको भी सेट करके रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं एक ली हूँ बॉक्स, तो यहाँ पे मैं बॉक्सों को क्या करूँगी ना, कट कर लूँगी साइड साइड में। तो यहाँ पे जितने भी साइड साइड हैं मैं सबकी कटिंग करके निकाल ले रही हूँ।
तो आप चाहे तो इसको अंदर से ही इसको अच्छे से चिपका सकते हैं, बट मैं इसको निकाल दे रही हूँ क्योंकि हमें एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। तो यहाँ पे निकालूँगी और उसके बाद इसको मैं नीचे फिक्स कर दूँगी क्योंकि इसका स्पेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मजबूत हो जाती है। यहाँ पर मैं ली हूँ पुरानी टी शर्ट, तो यहाँ छोटा सा कार्डबोर्ड था इसलिए छोटा सा टी शर्ट है मेरे बेटे का टी शर्ट जो कि काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया था। तो इस तरह से हमारा जो है टी शर्ट वो भी यूज में आ जाएगा, साथ ही साथ हमारा ये जो है बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनाइजर भी बन जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने लगा दिया हुआ अपने डेली के जो चीज़ें मैं क्राफ्ट वगैरह के लिए रखती हूँ, तो इस सब चीज़ों को मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज करके रख दूंगी। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइएगा क्योंकि इस तरह के जो है आइडियाज आप लोगों को मिलता रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ मेरा ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो यहाँ पर इस तरह से ना आप ढेर सारे जो हैं बर्तन उसको भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, या बहुत सारे कपड़े वगैरह आप एक स्क्रीट के बॉक्स में ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं जो कि आपको बिल्कुल ढूंढना भी नहीं पड़ेगा और बहुत ही कम स्पेस में आपका जो है ये चीज़ें सुरक्षित भी रह जाएंगी। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नए हैक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।